व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वाली वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग वॉल। जी हाँ गाइस, ट्रेडिंग वॉल। ये अपना है सीक्रेट बेस और मतलब इधर स्टोन ब्रिक लगाना है, बट मेरे पास स्टोन ब्रिक है नहीं। स्टोन ब्रिक मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, मेरा सीक्रेट बेस। ये टॉर्च को टॉर्च की जगह पे ले लेते हैं, इधर ये लगा देते हैं, इधर की साइड से खुलेगा। एंड इसका लेयर तो उस साइड खोलेगा कैसे, इसको हम दिखा देता हूँ। पूरा लीवर इधर से दबाएंगे फिर ही खुलेगा ये सीक्रेट बेस। और इसके अंदर है, इसको पहले नहीं, इसको ये देख लो, इधर से बंद होता है, इससे बट ये है हमारा सीक्रेट बेस। इसके अंदर ये इसमें स्मोकर में कुछ भी पक नहीं रहा, फिर भी धुआं निकल रहा है। उसका एक रीज़न है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं मतलब बाहर, इधर गर्मी लग रही है, इधर फैन लगाना पड़ेगा। ये कौन सी आवाज़ है भाई, ऊपरी वाली आवाज़ थी यार। ये मैं क्या कर रहा हूँ, बंद हो गया। अभी चलते हैं बाहर। अरे हाथ में से स्टोन ब्रिक ले लेते हैं, जिससे कोई भी देख ना पाए। ट्रेनिंग वन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मूथ कट्स, मतलब कंक्रीट और स्मूथ कट्स के ऊपर। ये इधर विलेजर एक ही है, मुझे पता है कि ये है। हाँ वाड़ी पड़ेगी खींच के, इसने रेट इसलिए कम कर दिया क्योंकि पहले था ये जॉम्बी विलेजर। मैंने इसको स्पॉन किया था तभी जॉम्बी विलेजर था, बट मैंने इसको बनाया है एक नॉर्मल विलेजर, तो इसने रेट कम कर दिए। आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोग तो पीरो हो। तो हम ट्रेनिंग ऑन बनाएंगे इस वाली जगह पे, शायद इस वाली नहीं, इधर बना देते हैं, क्योंकि इधर थोड़ी सेंड अप कम हो रही है। इधर पहले कंप्लीट सैंड लगा देते हैं पहले, बट उससे पहले एक एक ब्लॉक छोड़ के, ये देखो ये जो हो रहा है उसकी जगह पे लगा देंगे हम सैंड, क्योंकि सैंड जो होती है वो किसी एक ब्लॉक पे खड़ी रहती है, तो उसको खड़ी रखने के लिए ये स्टोन ब्रिक लगाना ज़रूरी है। ये कीवी पूरी की पूरी बंद कर देते हैं, और ये इधर से फिर ये मेरे को पहले वीडियो की स्टार्टिंग में वीडियो जब स्टार्ट नहीं किया था तभी मेरे को कर देनी चाहिए था, बट मैं भूल गया था। अभी तो लगा देगा सैंड, ठीक है भाई, बिस्टन बिस्टन नहीं चाहिए। ये गलत भी लग जा रही होगी यार, ये गलत लग जाएगी। यार ये नीचे क्यों गिर रहा है, ये होगा कंप्लीट क्लीन। अभी इधर लगा कंक्रीट लगे, कंक्रीट और लगे एक वाइट एंड एक लगे ऑरेंज। ये लगाया ऑरेंज, इसकी पिस्टन की जगह पे ले लेते हैं, और इसकी वाइट कंक्रीट लेते हैं किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसको इधर पहले बनाते हैं। और हम लोग क्रिएटिव में, इसलिए क्रिएटिव में से ही विलेजर के एग लगे, एंड विलेजर के एग से ही हम विलेजर को स्पॉन करेंगे। दो मंजिल की एक ये ट्रेडिंग वॉल हो गया, आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा। इतना बड़ा काफ़ी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं चाहिए हमें। मैं आधी बार इसमें सर्वर में भी खेलता हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए एक स्टेयर्स बनानी पड़ेगी, वरना फिर मैं आधे से ऊपर तो मैं लाइब्रेरी में नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे को बुक्स और भी चाहिए। ये मेरे को मेरे अंदर जो ये दो बुक्स पड़ी है वे मेरे को मिली थी, तीन बुक्स है उसमें मेरे को मिली थी स्ट्रॉन्ग गोल से, जिसमें से हम एंडर ड्रैगन को मारने, एंडर ड्रैगन को जब भी मारते ना उससे उधर जाने का रास्ते से मिली थी मुझे।
इसमें मेरे कोऑर्डिनेट्स मैंने नोट्स करके रखे हैं। मैं अभी दो दिन पहले जाके आया था माइनक्राफ्ट के, 2 दिन पहले। ये हो गया अपना फर्स्ट माला। इसको अभी कंप्लीट ऊपर से भर देंगे, फिर अंदर लगा देंगे लैंटर्न्स, क्योंकि लैंटर्न्स अच्छे लगते हैं। फिर शेडर ऑन करके देखेंगे कैसा लगता है। तो गाइस, मैंने आपको शेडर ऑन करना भी सिखा दिया था, कैसे शेडर ऑन करते हैं, कैसे माइनक्राफ्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर देखते हैं। और कहते हैं हम लोग होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं 10-20 मिलियन या फिर 20 मिलियन के नज़दीक, और हमें है पता है कौन से 30 सब्सक्राइबर के कम्प्लीट नज़दीक है, और लोग होते हैं कितने पे, 20 मिलियन पे, और मैं 30। गाइस सब्सक्राइब कर देना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसी नहीं बन जाती वीडियो आप लोगों को, जितने भी लोग इधर होंगे वो उन लोगों को पता ही होगा, जो लोग बड़े बड़े पीरो होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है। सिर्फ सर्वाइवल में होती है, क्रिएटिव में नहीं, बट फिर भी हम भी मेहनत तो करते ही है ना। किसने कहा कि हम मेहनत नहीं करते भाई, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आप लोग समझ रहे हो। इतनी बड़ी होगी बिल्डिंग, एंड ये पूरा का पूरा वाइट कंक्रीट का, एंड ये जो ये ना, ये साइड में जो है ना, उसमें मैं वाइट कर दूंगा, पता है किस नहीं दो। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कि मेरी आने वाली वीडियो, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाए, इसीलिए। अगर मैं इसमें एडिट करता तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी बन जाती, क्योंकि अभी एडिट किए भी नहीं, इसमें 7 मिनट हो गए। अगर मैं इसको एडिट करता फिर कितने मिनट की हो जाती मुझे भी नहीं पता, कम तो हो जाती मुझे तो पता ही। वो अगर मैं ये सारे के सारे पार्ट कर दूँ तो फिर कट कर दूँ तो कम, इधर वाइट कंक्रीट लगा देंगे, नीचे वाले फ्लोर पे भी वाइट कंक्रीट लगा देंगे, और जो सैंड मैंने लगाई थी उसको निकाल के हम लगा देंगे वाइट कंक्रीट, क्योंकि वाइट कंक्रीट की जो बेस होता है वो अच्छा लगता है मुझे, वाइट कंक्रीट भी अच्छा होता है, वाइट लगता है वाइट कंक्रीट का। अगर आप लोग कमेंट में जाकर कहो कि तुम्हें वाइट कंक्रीट का पूरा एक हाउस बनूंगा। ये हो गया वाइट कंक्रीट की छत, अभी हम लगा देंगे इधर लैंटर्न, ये इधर ले क्राफ्टिंग टेबल की जगह पे ले लेते हैं ये, एंड इधर लगा देते हैं ये। मैं क्या लगा रहा हूँ यार, इसको तोड़ के इधर, फिर इसको तोड़ के इधर, एंड ये जो फ्लोर है मैं बाद में निकल के वाइट कंक्रीट का कर दूंगा। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग हॉल, आगे की जगह पे लगा देंगे फैंस, ये लगाए फैंस, या फिर ये ले देते, ये अच्छे लगते हैं। ये क्राफ्टिंग टेबल की जगह पे लेते हैं, ये बो मैंने अंदर रखी, अभी बो का कुछ भी काम नहीं है, ये भी मैं क्या बना रहा हूँ यार, इसीलिए मैंने इतना बड़ा बड़ा किया, क्योंकि आधे विलेजर पता है क्या करते, उसकी जो मतलब उसकी जो जॉब होती है ना, उससे चढ़ के फैंस कूद जाते हैं आधे विलेजर, मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा था। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं बाद में जो नीचे की साइड पर डाल दूँगा मैं वाइट कॉन्क्रीट का, ये कॉपरियर लग गया। अगर विलेजर को मेरे को नज़दीक बुलाना होगा तो मैं पता है क्या करूँगा, हाथ में एमलेट ले लूँगा, एंड फिर उन लोगों को पास में बुला दूँगा। ये ना ये टूट गया, इसलिए मैं बीच में फेंक रख रहा हूँ कि सेफ्टी रहे, ऐसे ही लगा रहा हूँ, वरना तो मेरे को तो कुछ भी जरूर नहीं है, नहीं ऐसे ही फिर नहीं रख दो बस दो अभी। एंड विलेजर के पहले जो भी रख देता हूँ लेक्चर टेबल, लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर, ये फिर कौन सी रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, फिर स्मोकर की रख देता हूँ, स्मोकर कहाँ पर रखूँ, ये स्मोकर भी ज़रूर है, इसकी जगह पर रख देता हूँ स्मोकर,
ऑल राइट, ऊपर की साइड पर रख लेंगे हम स्मोकर और सब कुछ, स्मोकर एंड ये जो आता है ना क्या बोलते हैं इसको, कंपोस्टर, ये फिर ये फिर इधर की साइड पे भी थोड़ी लाइटनिंग कर लेते हैं एंड अभी इधर लगा देंगे फैंस। फैंस का पर है फैंस, ये बाहर ही है फैंस, यो फैंस इधर। फिर हम लगे विलेजर, विलेजर भाई तो लाइब्रेरी में मतलब बहुत मार खाएगा ये, अरे ऐसा क्यों होता है यार, फार्मर, ये फार्मर बन गया, ये लाइब्रेरी बन गया, अरे तुम लोगों को मार खाओगे क्या, अरे भाई इसको मार, निकल निकल निकल, तेरे इधर पर भी जरूरी है इसको 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 पूरा पहले इसको पूरा यार, तो फैंस भी फैंस जल्दी फैंस 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 फैंस, अरे यार फैंस है ना इसको पहले पूरा दे, इसको तोड़ दो और भी लगा दो, ये लाइब्रेरी अच्छा है, इसको भी पूर दो यार, ये मैंने क्या कर दिया, फिर इसको अंदर में ले जाऊंगा, अभी ऊपर की साइड पे छोड़ देते हैं, मारो इसको मारो, निकल। तो गाइस ये हो गया हमारा ट्रेडिंग ऑलरेडी, मुझे पता है अच्छा नहीं है एंड बीच में थोड़ी आवाज आ रही है, सॉरी उसके लिए। चलो गाइस आज की इस वाले वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।